जब क्षेत्र और जनता की सुरक्षा के लिए स्थापित कोई सरकारी सुविधा खुद ही बीमार पड़ जाए तो आम जनता की सुरक्षा का खतरे में पड़ना लाजमी है। महाराजगंज जनपद के सबिया अग्निशमन केंद्र की भी यही स्थिति है। सरकारी उपेक्षा और संसाधनों की भारी कमी के चलते यह फायर स्टेशन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लगभग 30 साल पहले स्थापित सबिया अग्निशमन केंद्र पर सिसवा और निस्लोल ब्लॉक के लगभग 300 गांवों को आग से बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन तमाम तरह की लापरवाहियों के चलते यह आज खुद अपनी ही सुरक्षा के लिए तरस रहा है। इस दमकल परिसर में एकाध बेजान गाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं है। फायर स्टेशन की बिल्डिंग भी धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो चुकी है। खुद की बदहाली पर आंसू बहा रहे इस फायर स्टेशन को बचाए और बनाए रखने के कई प्रयास भी स्थानीय लोगों द्वारा किए गए। इसके लिए विभाग को बाकायदा कई चिट्ठियां भी लिखी गई, लेकिन सरकार और विभाग की कुंभकर्णी नींद कभी नहीं टूटी। सरकार की घोर उपेक्षा के कारण यह फायर स्टेशन अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अंतिम सांसें गिन रहे इस फायर स्टेशन को कोई सरकारी संजीवनी मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, महाराजगंज।